किसी से उलझना नहीं। बड़ा सुंदर उपदेश है, आप भी ध्यान देना। कोई आपको गाली दे, कोई आपसे बार बार सवाल करे, उलझो मत किसी से। उलझोगे तो गए काम से। एक वैश्या थी, जहां रहती थी उसके थोड़े ही आगे एक आश्रम था गंगा किनारे। बाबा मस्त रहते थे, वो हमेशा बाबा के पास आके अपनी लंबी चोटी दिखाती। चोटी को ऐसा गोल गोल घुमाते हुए, उसका एक साइड बिजनेस भी था, बकरा पालन, बकरियां पालती थी वैश्य। तो कभी बकरे के साथ निकलती थी तो बाबा को पूछती, बाबा तुम्हारी दाढ़ी अच्छी कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी। वैश्य बार बार बाबा से हमेशा पूछती, जब भी वहां से निकलती, बाबा मेरी दाढ़ी अच्छी, मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी कि आपकी दाढ़ी अच्छी। और वहां वो बाबा बेचारे कोई जवाब नहीं देते। बाबा के मन में होता कि अब मैं इसको क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं। एक दिन बाबा बहुत बीमार पड़े और अब भगवान का नाम लेते लेते इस दुनिया से विदा होना है। तो बाबा ने शिष्यों को बोला कि अरे वो उस वैश्या को बुला के लाओ। बुलाने गए, सबको मन में हुआ भी जाते जाते बाबा वैश्या को बुलाएंगे, फिर भी बाबा है कुछ बोल नहीं सकते, बुलाया। तो पूछती थी ना, दाढ़ी किसकी अच्छी, बकरे की के मेरी? बोले आज मैं जवाब देता हूँ, मेरी दाढ़ी सबसे अच्छी। इतना बोल के भगवान का स्मरण करते हुए प्राण त्यागने की तैयारी थी, उतने में वैश्या कहती, बाबा बाबा जब खुद की दाढ़ी अच्छी बोलनी थी तो वर्षों पहले ही बोल देते, अब मृत्यु के समय क्यों बोल रहे हो? बोले अगर मैंने उस समय तुझे जवाब दे दिया होता ना, फिर तू और सवाल करती, तेरे दूसरे सवाल, फिर मैं उसका जवाब देता, तेरा तीसरा सवाल, फिर उसका जवाब देता, फिर चौथा सवाल, न जाने कितने सवालों को तू उत्पन्न करती और मैं जवाब देता रहता, मेरा जीवन तेरा जवाब देने में खप जाता, मर जाता। लेकिन मैंने तेरा जवाब दिया ही नहीं तो तू एक प्रश्न पर ही खत्म हो गई, वहीं रुक गई। और ये अंत समय में मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ क्योंकि अब मुझे पक्का पता है कि अब दूसरा प्रश्न पूछने के लिए, जवाब देने के लिए मैं न रहूंगा। अब जो गांठ रही मेरे मन में भी वो भी खुल गई। बोले मैं तुझे भी एक उपदेश दे रहा हूं। बोले बेटा ये मन का है ना कोई भरोसा नहीं है, जैसे नाव पानी में है, आप कई नदियां नाव पार करके आ जाती है लेकिन कभी कभी नाव किनारे पर आकर भी डूब जाती, इसलिए ये संसार का कोई भरोसा नहीं है, इस मन का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ फिसल जाए, कब कहाँ किस में आसक्त हो जाए, कब कहाँ ये संसार उसको डुबो दे इस विषयों की नदी में, कोई भरोसा नहीं है। भरोसा तब हो जब आप किनारे पर लग जाओ और किनारे से नाव से उतर के फिर सूखे में आ जाओ, फिर आप चैन की सांस ले सकते हो, नहीं तो आप नाव में किनारे लगकर भी डूब सकते हो। इसलिए तू जो भी कर्म कर रही है, भले घृणित कर्म कर रही है, लेकिन मन से तू सावधान रहना। बड़ा सुंदर उपदेश है, मन कभी भी धोखा देगा, इसलिए किसी से उलझो मत। कोई सुना दे तो सुन के आगे चले जाओ। हाँ इसका अर्थ ये नहीं कि कोई किसी की निंदा कर रहा हो या हमारे गुरुदेव के लिए कुछ बोलता हो या हमारे हिंदुत्व पर उंगली उठाता हो और आप आंख बंद करके चले जाओ। आप पर कोई उंगली उठाता है तब आप आंख भले बंद करके चले जाना, लेकिन कोई हमारे धर्म पर बोलता हो, कोई हमारे धर्म के विरोध में बोलता हो, कोई हमारे गुरु के विरोध में बोलता हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना भी शिष्य का धर्म है। भगवान शिव ने कहा है कि गुरु की निंदा करने वाला, हरि की निंदा करने वाले का अगर आप जीभ काटने में सक्षम न हो तो उसको उस स्थान से भगा दो या खुद वहां से चले जाओ। इसलिए मेरी बात को गलत ढंग से मत समझना कि
कोई कुछ भी बोले और हम आँख बंद करके चले जाने। आपके लिए कोई बोलता हो वो व्यक्तिगत, आप मन पर मत लो, लेकिन धर्म के लिए, गुरु के लिए, भगवान के लिए कोई निंदा करता हो, वहाँ आपका, आपको प्राण देना पड़े, आपकी गर्दन काट के रखनी पड़े या सामने वाले की गर्दन काटनी पड़े, तब पीछे मत हट, ये धर्म कहता है।